हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है एनालिटिक फंक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इज एक्सप्रेस्ड एज एफ इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। आयोटा इज √1, √-1, यू इज इक्वल टू 2xy देन वी। ना सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई इसको हम डायरेक्टली कर ले। देखो, यू एक्स जो है, फिर किसके, यू जो मेरा 2xy के इक्वल है, तो यू एक्स कोची रीमन इक्वेशन, तो ये 2y ये इक्वल रहता है वी वाई से के, और यू वाई किसके इक्वल आएगा 2x के, ये है -vx के इक्वल, ठीक है। तो बस ऑप्शन से मैच करना है। अगर ऑप्शन ए में वी एक्स कितना है 2x, तो ये -vx होगा -2x, तो ये सेम नहीं है ना। और वी वाई जो है वो 2y, चलो ये सेम है पर ऑप्शन गलत है। सेकंड में अगर वी एक्स देखा जाए वो 2x, वी एक्स -2x आना चाहिए, वी वाई आ गया -2y, ये भी गलत है ना, ये दोनों सेम नहीं है। ऑप्शन सी में देखेंगे वी एक्स आ गया -2x, तो ये ठीक है, वी वाई जो आ गया 2y, ठीक है, ये ठीक है। ऑप्शन सी डी गलत है, वी एक्स है -2x, वी वाई जो है -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एनालिटिकल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इज एक्सप्रेस्ड एज एफ इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। यू क्या है हमारा, देखो सेम सवाल है, यू जो है मेरा एक्स स्क्वायर -y² है, यू एक्स मेरा 2x के इक्वल है, जो कि मेरा वी वाई के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, और यू वाई जो है मेरा 2y के इक्वल है, जो -vx, सॉरी -2y के इक्वल है, जो कि -vx के इक्वल आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है सी, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, तीसरी चौथी बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल पार्ट ऑफ द एनालिटिकल फंक्शन एफ जेड वेयर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन एस। रियल पार्ट यानी कि यू दिया हुआ हमें, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखो, ई की पावर -y cos x, इमेजिनरी पार्ट पूछा। देखो, यू एक्स जो है मेरा वो कॉस का आ गया -sin, ये होना चाहिए वी वाई के इक्वल, वी वाई, इसको मैं वाई के साथ डिफरेंशिएट करूंगा, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा साथ में, गलत है। इसका करूंगा ई की पावर -y का -e की पावर वाई, है ना, इसका अगर मैं वी वाई करूंगा, अगर e की पावर -y का -e की पावर -y साइन एक्स, तो ये पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर सी करूंगा तो e की पावर y का e की पावर y आएगा साइन एक्स, जबकि -y चाहिए, ये भी गलत है। ये आ जाएगा e की पावर -y है तो माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस हो जाएगा बाहर, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बी ही बचा, बाकी भी चेक कर लेते। देखो, यू वाई किसके इक्वल आएगा, -e की पावर -y, इसका कर रहे हैं वाई के साथ, कॉस एक्स इज इक्वल टू, और इसका मैं अगर, ये होना चाहिए -vx के, यानी वी एक्स मेरा होना चाहिए e की पावर -y cos x। अब यहाँ पे x के साथ करूंगा इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन का कॉस आ जाएगा, ठीक है। तो b सेटिस्फाई कर रहा है इसको भी, हम लंबे मेथड से करना हो तो ठीक है कर सकते हैं। सबसे पहले मिलने थॉमसन मेथड, वो कहता है कि एफ डैश जेड किसके इक्वल होता है, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, ठीक है, वी एक्स किसके इक्वल होता है -u y के, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, यू एक्स जो है -e की पावर -y sin x, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गए, आयोटा e की पावर -y cos x, ठीक है। अब यहाँ पे x को z पुट करना है और वाई को 0, ठीक है। तो हमारा एफ डैश जेड जो आ जाएगा ई की पावर 0 1 -sin z + iota cos z, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम, तो -sin z का cos z आ जाएगा इंटीग्रेशन, और cos z का इंटीग्रेशन sin z, ठीक है। तो एफ जेड इसके इक्वल आ गया, ये किसके इक्वल है, cos थीटा + iota sin थीटा, e की पावर iota थीटा, e की पावर iota z,
तो बस जेड की वैल्यू है एक्स प्लस आयोटा वाई जाएगा ई की पावर माइनस वाई ई की पावर आयोटा एक्स। ठीक है, तो ई की पावर आयोटा एक्स इसके इक्वल आ जाएगा कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा यू जो कि गिवन है, ये हो गया हमारा वी। ठीक है, तो बाकी दोनों में से ट्राई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन कोरस्पोंडिंग टू यूनिट सर्कल दैट इज एस इज इक्वल टू जेड सच दैट जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो एस ऐसे पॉइंट है जैसे देखा जाए या मोड जेड इज इक्वल टू वन, बेसिकली यूनिट सर्कल पे जितने भी पॉइंट है वो है एस सारे। ठीक है, यहाँ पे मोड जेड इक्वल टू वन, तो ये सारे पॉइंट जो है जहाँ जो जो सर्कल पे हैं वो सारे एस है। कंसीडर फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट वेयर जेड कॉन्जुगेट डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ठीक है, एफ जेड मैप एस टू विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, एफ जेड किसके इक्वल है, देखो ये है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये होता है मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, तो मोड ऑफ जेड वन के इक्वल है ना, जो जितने भी एस पॉइंट है वहां पे मोड ऑफ जेड वन के इक्वल है, तो मेरा एफ जेड किसके इक्वल आ गया, वन के इक्वल आ गया। तो ये सारे पॉइंट किसको मैप कर रहे हैं, वन को, 1,0 पॉइंट। ठीक है, रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन एफ जेड इज इक्वल टू जी जेड प्लस एच जेड वेयर एफ जी एच आर कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट देन जी जेड एंड एच जेड आर ऑल्सो डिफरेंशिएट जेड नॉट, इफ जी जेड एंड एच जेड आर डिफरेंशिएबल देन एफ जेड इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, इफ एफ जेड इज कंटिन्यूस देन इट इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट, इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट देन सो आर इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देखो ऑप्शन सी तो पक्का गलत है, अगर कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, ऑप्शन डी कहता है कि अगर जेड पे डिफरेंशिएबल है तो इसके इमेजिनरी और रियल पार्ट्स पे भी डिफरेंशिएबल हो गया, ये भी गलत है। ठीक है, हाँ बचता है ऑप्शन ए और बी। अगर एफ जेड डिफरेंशिएबल है तो क्या जरूरी है जी और एच भी होंगे, नहीं ये गलत है। ठीक है, जी और एच होंगे तो एफ जेड पक्का होगा, ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ये देख लो, जैसे मान लो जी जी और एच हैं तो इनका सम होगा। अब देखो इंडिविजुअली कैसे होगा, सपोज करो कि एफ जेड जो है मेरा हमारा प्लस आयोटा 2x1, मैंने इस ये ले लिया। ठीक है, अब ये तो हमने किया हुआ है कोची रमन इक्वेशन, देखो यू अगर ये यू है ये वी है, तो यू एक्स मेरा 2x है, वी वाई मेरा 2x है। ठीक है, दोनों सेम है, यू वाई मेरा माइनस 2x 2y है, वी एक्स मेरा 2y है, तो ये माइनस वी एक्स ये कर रहा है। अब मैं ये ज़ूम कर लूँ कि जो मेरा जी जेड है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और एच जेड जो मेरा आयोटा 2xy है। ठीक है, तो अब ये तो इसमें तो ओनली u है, इसका ux 2x है और इसका vx 0 है क्योंकि इसमें v है ही नहीं, ux मेरा माइनस 2y है, vy मेरा 0 है, तो दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो ये एनालिटिकल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, बट ये इंडिविजुअली नहीं है, बट हाँ इन दोनों का सम एफ जेड आ रहा है। ठीक है, तो उल्टा जरूरी नहीं है कि अगर एफ जेड हो तो जी और एच भी होने चाहिए, पर हाँ अगर जी और एच दोनों एनालिटिकल हुए डिफरेंशिएबल हुए तो एफ जेड तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसी के साथ पांच क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो कुछ सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।